तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग की जो कैलेंडर ऐप होती है दोस्तों, उसके अंदर एक नया अपडेट आया है। नए अपडेट के साथ वहां पर कमाल के नए फीचर एड ऑन किए गए हैं। जैसा कि आपको पता होगा, गैलरी के अंदर जो लैब वाला फीचर होता है और भी जो लैब वाला फीचर होता है, ऐसा ही फीचर वहां पर सैमसंग कैलेंडर ऐप में भी अपडेट कर दिया गया है। और क्या नए फीचर एड ऑन किए गए हैं आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना, और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो कर लेना। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताना सैमसंग कैलेंडर ऐप के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पर अपने मोबाइल के गैलेक्सी स्टोर पे। गैलेक्सी स्टोर पे जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर अपडेट वाले सेक्शन पे। अपडेट वाले सेक्शन पे जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपको सैमसंग कैलेंडर ऐप का एक नया अपडेट मिल रहा होगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये नया अपडेट आपको मिल रहा होगा, जो कि नवंबर 28 को रोल आउट किया गया है, जिसका वर्जन है 12.4.02.9000। यह वर्जन नंबर है। और यहाँ पर आपको कुछ फीचर यहाँ पर एड ऑन किए गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें दो नए फीचर एड ऑन किए गए हैं, रिकमेंडेशन ऑन ऑफ फीचर इन कैलेंडर लैब मेन्यू, और स्टिकर आइटम और काउंटडाउन विजार्ड्स ऑन स्क्रीन। तो इसको कर लेते हैं अपडेट। अपडेट होने के बाद मैं बताता हूँ कि ये क्या नए फीचर यहाँ पर एड ऑन किए गए। तो इसको होने देते हैं अपडेट। तो दोस्तों, फाइनली हो चुका है अपडेट। अपडेट करने के बाद आपको कर लेना है यहाँ पर इसको ओपन। सबसे पहले यहाँ पर जो फीचर दिया गया है, रिकमेंडेशन ऑन ऑफ फीचर इन कैलेंडर लैब, तो उसके लिए यहाँ पर आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ जाना है थ्री डॉट्स पे। यहाँ जाने के बाद आपको जाना है यहाँ सेटिंग वाले ऑप्शन पे। जैसे ही आप सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे, नीचे की तरफ आएंगे, आपको एक फीचर मिलेगा लैब्स नाम से, आपको दिख रहा होगा ये आपको अभी मिलना चालू होगा। यहाँ पर आपके लिखा है इस लैब का ऑप्शन क्या होता है। यहाँ पर इस फीचर का मतलब ये है कि कैलेंडर लैब यहाँ पर क्या होगा, ट्राई आउट एक्सपेरिमेंट फीचर। जो भी इन फीचर अभी रोल आउट होंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट होना है तो ये यहाँ पर रोल आउट किए जाते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, हाइड इवेंट रिकमेंडेशन। आपने देखा होगा, जैसे कि अभी इसको ऑफ कर दिया है मैंने, अगर मैं यहाँ पर कुछ कर लिखता हूँ, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको टाइटल का रिकमेंडेशन आता है, और यहाँ पर अगर ऐसे ही लिखेंगे तो आपको यहाँ पर रिकमेंडेशन लिए दिखाता है। जैसे यहाँ पर बता रहा है एड इवेंट ऑन, ये आपको रिकमेंडेशन बता रहा है। अगर आप नहीं चाहते, जैसे 2 बजे आपने स्टडी करना चाह रहे हैं, आप देख रहे होंगे ये आपको रिकमेंडेशन बता रहा है। अगर आप नहीं चाहते कि हमें ऐसी कोई रिकमेंडेशन आए, तो आप यहाँ जाइए, यहाँ जाइए सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद जाना है आपको लैब वाले ऑप्शन पे, और आप इसको यहाँ से ऑन कर दीजिए। अब क्या होगा, कुछ भी कर लेंगे आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं आने वाले, आपको कोई यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं आएगी। तो ये यहाँ पर ऐसा वर्क करने वाला है, इस फीचर का मतलब ये है। और जब भी कोई आप ऐसा फीचर ऑन करते हैं, तो वो वर्क कब करता है, जब आप उसको ऑन करके मतलब क्लोज करके फिर दोबारा ओपन करते हैं, तो ये ऐसे वर्क करेगा। उसके बाद सेकंड फीचर दिया गया है, स्लाइडर आइटम ऑन काउंटडाउन विजार्ड। ये फीचर अच्छा है, ये काउंटडाउन विजार्ड्स आपको अपने लॉक स्क्रीन, आप अपने होम स्क्रीन पर लगा सकते हैं। कैसा, लाइक मैं यहाँ पर आ गया हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ से यूँ स्वैप करा, यहाँ पर गया विजार्ड्स में। विजार्ड्स में जाने के बाद यहाँ जाना है कैलेंडर विजार्ड्स में। कैलेंडर विजार्ड्स में आपको देखेंगे एक नया आपको मिल रहा होगा काउंटडाउन विजार्ड्स करके, और ये आपको मिलेगा माय बर्थडे, आपको यहाँ पर लगा लेना है और यहाँ पर आप छोड़ देंगे। तो क्या होगा, टैप टू सेलेक्ट इवेंट, आप यहाँ पर क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं, क्या बताया आपको किस चीज़ का अकाउंट नहीं। जैसे लाइक अभी क्रिसमस आने वाला है, तो मैंने यहाँ पर क्रिसमस सेलेक्ट कर दिया, तो आपको बता देगा 20 दिन बाद यहाँ पर क्रिसमस आने वाला है। तो ये काउंटडाउन चल रहा है, आप यहाँ पर कोई भी इवेंट लगा सकते हैं कि आपको वो इवेंट यहाँ पर देखना है, तो आप यहाँ पर उसको प्रेस करके रखो। यहाँ सेटिंग पे जाओ, यहाँ क्रिसमस की जगह आपको जो लेना हो, या लाइक अब मुझे यहाँ पर न्यू ईयर ले लिया, तो यहाँ पर सेव कर दिया, तो अब न्यू ईयर का बता देगा कि 27 दिन बाद यहाँ पर न्यू ईयर आने वाला। आप जो भी यहाँ पर डेट सेट करेंगे, लाइक आपको किसी का बर्थडे डालना है, तो बर्थडे डेट डाल दो, तो आपको काउंटडाउन करके वो बता देगा। तो ये कमाल का फीचर यहाँ पर रोल आउट किया गया है। यही अपडेट था और यही नए फीचर एड ऑन किए गए सैमसंग कैलेंडर में, जो कि मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है, तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है उसमें मेरी कुछ कमी है, तो मुझे डिसलाइक भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर DM करके भी पूछ सकते हैं। तो सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले, और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना भी ना भूले। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।